गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ अनुमेरा। टुडे आई विल डिस्कस्ड अबाउट द पेंडिंग टॉपिक, ठीक है, दैट इज़ वेज टू डेवलप ट्रस्ट ऑफ बेबीज विद फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का ये टॉपिक है, हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक में किया था हाउ टू मेंटेन अ ट्रस्ट, ठीक है, विद बेबीज विद की पीपल एंड फैमिली मेम्बर, ठीक है। हमने की पीपल्स कर लिया था, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स करेंगे आज। इसमें पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बीइंग इन द इम्पॉर्टेंट हाउ सपोर्ट पॉजिटिव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्वालिटी टाइम ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। फर्स्ट वाइज करेंगे। फर्स्ट है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, व्हाई दैट आर इम्पॉर्टेंट। चिल्ड्रन लर्न एंड डेवलप बेस्ट व्हेन दे हैव स्ट्रॉन्ग लविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स अदर केयर्स, ठीक है। चिल्ड्रन क्या है, अच्छे से लर्न करते हैं, अच्छे से डेवलपमेंट उनकी अच्छे से होती है अगर उनको बेस्ट क्या मतलब क्या है जैसे मतलब कि बेस्ट पेरेंट्स मिले हों जो कि स्ट्रॉन्ग लविंग हो, स्ट्रॉन्ग हो पॉजिटिव रिलेशनशिप उनका पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। दैट्स बिकॉज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड कैन हेल्प चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। अगर क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा बच्चों का पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का बच्चों के साथ, तो क्या है, वो अच्छे से वर्ल्ड से लर्न करेंगे, ठीक है। वेदर द वर्ल्ड इज सेफ एंड सिक्योर, वेदर दे आर लव्ड हु लव्स देम, ठीक है। अगर तो क्या है मतलब उनके लिए क्या है मतलब जो उनकी सराउंडिंग है वो भी सेफ होगी, सिक्योर होगी, ठीक है। वेदर दे आर लव्ड हु लव्स देम, ठीक है, वो किनको प्यार करते हैं, उनको कौन प्यार करता है, ठीक है। व्हाट हैपन, क्यों वो रोते हैं, क्या होता है, तब हंसते हैं, फेस क्रिएट करते हैं, मच मोर, ऐसी एक्टिविटी अच्छे से करते हैं वो। यू कैन बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड बाई, ठीक है, पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ कैसे मतलब कि अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, बींग इन द मोमेंट विद योर चाइल्ड, हर एक मोमेंट में बच्चे के साथ होना चाहिए, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ टाइम जो है स्पेंड करना चाहिए, क्रिएटिंग अ केयरिंग एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो, ठीक है। एंड हम फर्स्ट वाइज अब इन पॉइंट्स को करेंगे। फर्स्ट है बींग इन द मोमेंट, हाउ वुड सपोर्ट पॉजिटिव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका बींग इन द मोमेंट, हाउ वुड सपोर्ट बींग पॉजिटिव चाइल्ड रिलेशनशिप। बींग इन द मोमेंट इज अबाउट टर्निंग इन एंड थिंकिंग अबाउट वर्ड्स गोइंग ऑन विद योर चाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या है कि जो चाइल्ड है ट्विनिंग इन द एंड थिंकिंग अबाउट वर्ड्स गोइंग ऑन विद योर चाइल्ड, ठीक है। इसमें जो आप पेरेंट्स देखते हैं कि क्या बच्चे के बारे में सोचा जा रहा है, जो क्या मतलब हो रहा है, इट शो योर चाइल्ड यू आर यू केयर अबाउट द थिंग्स दैट मैटर टू दैम विच इज़ अ बेसिस फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें क्या है, पेरेंट्स देखते हैं बच्चों के लिए केयर जो है वो शो करते हैं और उनका मैटर देखते हैं कि कैसे बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए जा सके। हियर आर सम आइडियाज हैं, शो एक्सेप्टेंस, लेट योर चाइल्ड बी एंड ट्राई नॉट टू गिव डायरेक्शन ऑल द टाइम। बच्चों को क्या है कि मतलब उनकी अपनी भी थोड़ी इच्छा होनी चाहिए, हमेशा उन पर क्या फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा उनको अपनी डायरेक्शन चूज करने के लिए टाइम देना चाहिए। इफ़ योर चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्रिटेंड द बिल्डिंग ब्लॉक आर पीपल, दैट्स ओके। अगर आपका बच्चा जो है वो मतलब कि चाहता है कि वो बिल्डिंग जो मतलब जो टॉय होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने देना चाहिए, दैट्स ओके। यू डोंट हैव टू गेट योर चाइल्ड टू यूज़ द राइट वे, ठीक है। उसको नहीं बताना चाहिए, उसको नहीं फोर्स करना चाहिए कि वो कोई पाथवे है जो वो चूज़ करें। नोटिस वट योर चाइल्ड इज़ डूइंग एंड कमेंट और इनकरेज इट्स विदाउट जजमेंट, ठीक है। बच्चे को क्या है, विदाउट जजमेंट किए हुए नोटिस व्हाट योर चाइल्ड डूइंग, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, उसको बार बार टोकना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, आर द बिग ब्लू ब्लॉक द शॉपकीपर एंड इज द लिटिल रेड ब्लॉक गोइंग शॉपिंग, ठीक है। कि अगर बच्चा क्या है, आर द बिग ब्लू ब्लॉक द शॉपकीपर, ठीक है, बच्चे के पास मतलब जो शॉपकीपर है उसके पास ब्लू कलर के वो है ब्लॉक्स है एंड इज द लिटिल रेड ब्लॉक गोइंग शॉपिंग, और बच्चा है रेड कलर के लेने के लिए आए तो उसको रेड कलर के लेके देने चाहिए। लिसन टू योर चाइल्ड एंड ट्राई टू ट्यून इन टू द चाइल्ड रियल फीलिंग, बच्चे को क्या समझना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर चाइल्ड इज़ टेलिंग यू अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग दैट हैपन ड्यूरिंग द डे, अगर बच्चा दिन में आपको कोई लॉन्ग स्टोरी जो है वो सुनाता है, ठीक है, जो उसके साथ जो भी हो जाए, जो कुछ भी है, दे माइट रियली बी सेइंग दैट दे लाइक द न्यू टीचर और दे आर गुड मूड, अगर वो स्कूल के बारे में भी कुछ बताता है कि वहाँ पर एक न्यू टीचर थी अच्छी थी, जो कोई और मूड बारे में बताता है तो उसको सुनना चाहिए। स्टॉप एंड थिंक अबाउट वट योर चाइल्ड बिहेवियर इज टेलिंग टू, ठीक है, ये सोचना नहीं चाहिए, ये चीज़ बंद करनी चाहिए कि बच्चे का क्या मतलब बिहेवियर किस बिहेवियर से भी बोल रहा है।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टीनेज चाइल्ड इज हैंगिंग अराउंड द किचन बट नॉट टॉकिंग मच, ठीक है, बच्चा क्या है वो किचन में बैठा है काफ़ी टाइम से पर वो कुछ बोल नहीं रहा है, दे माइट जस्ट वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू, तो वो चाहता है कि वो आपके पास बैठना चाहता है, यू कुड मतलब अपने पेरेंट्स के पास पास यू कुड ऑफर अ हग और लेट दैम हेल्प विद द कुकिंग विदाउट नीडिंग टू टॉक, तो बच्चे को क्या है ऑफर करना चाहिए हग, उसको लव करना चाहिए और विदाउट मतलब कि साथ में मतलब कि क्या है उसको कुकिंग भी करते रहना चाहिए और विदाउट टॉकिंग आप उससे ऐसे भी लव कर सकते हो, ठीक है। पार्ट ऑफ बींग इन द मोमेंट विद योर चाइल्ड इज गिविंग अ चाइल्ड अपॉर्चुनिटी, बच्चे को क्या है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपना मतलब जैसे बोल सकते हो टू टेक द लीड मतलब अपना फैसला लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट योर चाइल्ड लीड प्ले, ठीक है, वाई वॉचिंग योर चाइल्ड एंड रिस्पॉन्डिंग टू वट योर चाइल्ड सेज और डज, ठीक है, बच्चे को खुद ब खुद मतलब कि खेलना देना चाहिए, इनकर्ज करना चाहिए खेलने के लिए और उसको मतलब कि जैसे नॉन अटेंडिंग नहीं करना चाहिए, वॉच करते रहना चाहिए उसको, ठीक है, देखते रहना चाहिए। एंड दिस इज़ ग्रेट फॉर यंगर चिल्ड्रन, ये यंगर चिल्ड्रन के लिए ग्रेट है मतलब अच्छा है। सेकेंड है सपोर्ट योर चाइल्ड आइडिया, जो बच्चा आइडिया अगर आपको कोई देता है कोई सजेशन देता है तो उसको क्या सपोर्ट करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर ओल्डर चाइल्ड डिसाइड टू प्लान अ फैमिली मील वाई नॉट से गैस, ठीक है, अगर बच्चा डिसाइड कर रहा है कि वो फैमिली मील की प्लानिंग कर रहा है तो उसको क्या है उसको येस में रिस्पॉन्स देना चाहिए। When your child expression and opinion, you should use a conversation as a way to learn more about your child thoughts and feeling, even if they are different from yours, ठीक है, अगर बच्चा ठीक है अपना ओपिनियन कोई आपके सामने मतलब कि पेरेंट्स के सामने कोई ओपिनियन रखता है तो बच्चे को क्या है तो पेरेंट्स को क्या है उस ओपिनियन पे कन्वर्सेशन करनी चाहिए चाहे उनके थॉट्स उससे अलग ही क्यों ना हो, ठीक है, फिर भी उसको क्या है इनकरेजमेंट देनी चाहिए। दिस स्विचेस पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट स्पेशल मूवमेंट विद चिल्ड्रन, दे टॉक हाउ दिस मूवमेंट बिल्ड रिलेशनशिप एंड हेल्प दैम मोर विद योर चिल्ड्रन, दे आल्सो डिस्क्राइब हाउ लव एंड अफेक्शन हेल्प देयर चिल्ड्रन फील सेफ एंड सिक्योर, इससे क्या है वो अच्छी उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, उनके साथ लव अफेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको फील और सिक्योर सेफ करवा सकते हैं फील करवा सकते हैं। रिपीटिंग और रिफ्रेशिंग चाइल्ड वर्ड्स स्माइलिंग एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, बच्चे को क्या है अगर कोई कुछ अगर बच्चा कुछ बोलता है तो उसको क्या है रिफ्रेश करके उसको समझाना चाहिए उसके वर्ड को, उसको स्माइल करके अच्छे से आई कॉन्टैक्ट बना के उसको उसके बारे में बताना चाहिए और इससे क्या है वो भी अटेंशन पे करेगा, ठीक है, एंड कुछ टाइम उसके साथ टॉकिंग में बिताना चाहिए। दिस स्पेशल वार्म्थ द इंटरेस्ट, इससे क्या है बच्चे का इंटरेस्ट बनता है और बच्चे का क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एंड बच्चे को सिक्योर फील होता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। थर्ड वन इज़ अ क्वालिटी टाइम, वाई इट्स इंपॉर्टेंट द पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड यूर चाइल्ड आर बिल्ड ऑन क्वालिटी टाइम, ठीक है, अगर मतलब कि अच्छा क्वालिटी टाइम मतलब कि अगर बच्चे को अच्छा टाइम दिया जाएगा मतलब बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया जाएगा तो इससे क्या उसका ट्रस्ट बनेगा और क्या है मतलब अच्छा रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। टाइम टूगेदर हाउ टू गेट टू नो अबाउट ईच अदर एक्सपीरियंस, से क्या है अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो है बच्चा है वो आपस में टाइम स्पेंड करेंगे तो वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस को थॉट्स को फीलिंग्स को इंटरेस्ट को क्या मेंटेन करके रखेंगे और बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जाएंगे। दिस शो दैट यू वैल्यू एंड अप्रिशिएट चाइल्ड, ठीक है, इससे क्या पेरेंट्स क्या है मतलब के बच्चे के सामने पेरेंट्स की वैल्यू भी शो हो जाती है और वो अपने बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, इससे क्या है ग्रेटर रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी टाइम कैन हैपन एनी टाइम एंड एनीवेयर, ठीक है, जो क्वालिटी टाइम है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, एनीवेयर एंड इन द मिडल ऑफ द ऑर्डिनरी डेज एंड सिचुएशन, मतलब कि जो ऑर्डिनरी डेज होते हैं उनके मिडल में सिचुएशन में क्या है इट कैन बी श्योर लव एंड यू आर बाथिंग योर टॉल्डर, ठीक है, अगर जैसे अब फॉर एग्जाम्पल ये लाइन का मतलब ये है कि जैसे अब मंडे ट्यूजडे आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया टॉकिंग की बहुत अच्छी टॉकिंग की एक्टिविटीज करवाई उससे तो इससे क्या है आप उसके बारे में डिस्कस करते हो जब आप उसको नहला रहे हो या कुछ फीड दे रहे या कुछ भी ऐसी मूवमेंट है। दिस मूवमेंट गिव यू द चांस टू कम्युनिकेट, इससे क्या है आपको चांस भी मिल जाएगा उसके साथ बातें करने का और इसके क्या है पॉजिटिव मैसेज विद स्माइल्स लाफर आई कॉन्टैक्ट हग्स एंड जेंटल टचेस, ठीक है। यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ टाइम टुगेदर बाई मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, इससे क्या है आप उसको टाइम भी दे पाओगे और इससे क्या है आपकी जो अगर कोई मतलब आपस में बच्चे पेरेंट्स में डिस्ट्रप्शन है जो कोई डिस्ट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी मिनिमाइज हो जाएगी। दिस कैन बी ईजी एज पुटिंग अवे योर फोन, ठीक है, इससे क्या है आप अपने फ़ोन से भी दूर रहोगे अगर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। इट कैन ऑल्सो योर चाइल्ड नो यू आर रियली कीन टू स्पेंड अनरप्टेड टाइम विद देम, ठीक है, टाइम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि कोई इरप्ट ना करे मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे बीच में, देर माइट बी टाइम इन योर फैमिली लाइफ
वेन इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद योर चाइल्ड एवरी डे, अगर कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब आप लॉट ऑफ टाइम उस पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें तो क्या करना चाहिए, बट प्लानिंग कर लेनी चाहिए सम रेगुलर वन ऑन वन टाइम की, ठीक है। अगर आप मतलब कि पेरेंट्स जो है वो डे में बिजी भी है तो उनको कुछ टाइम निकाल के थोड़ा प्लानिंग कर लेनी चाहिए, स्केड्यूल बना लेना चाहिए कि वो बच्चे के साथ क्या है टाइम स्पेंड करें। योर चाइल्ड लर्न एंड डेवलप थ्रू स्पेंडिंग टाइम इंटरेक्टिंग विद यू, ठीक है। अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा और उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी और वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल द टाइम यू स्पेंड टॉकिंग विद योर चाइल्ड इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लाइफ हेल्प योर चाइल्ड लर्न लैंग्वेज, अगर बच्चे के साथ जो पहले 3 साल अच्छे से पेरेंट्स ने बिताए होते हैं इससे क्या है वो आगे भी बहुत सारी लैंग्वेजेस की स्किल्स को लर्न करता है। लास्ट है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, हाउ टू नर्चर इट इज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर इसेंशियल टू पॉजिटिव पेरेंट रिलेशनशिप चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट क्या बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स और चाइल्ड में होने की, जैसे कि बच्चा पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे और पेरेंट्स जो है वो बच्चे को रिस्पेक्ट दे। इन द अर्ली ईयर्स विद योर बेबी डेवलपिंग ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो बच्चे की अर्ली स्टेज होती है उसमें क्या है ट्रस्ट को डिवेलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द बेबी फील सिक्योर, ठीक है। बच्चा अगर आप अच्छे से उसको ट्रस्ट दोगे टाइम दोगे तो बच्चा सिक्योर फील करता है और इससे क्या है उसकी केयर भी अच्छे से होती है, सारी नीड्स कंप्लीट होती है। दिस सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गिव योर चाइल्ड कॉन्फिडेंस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है। इससे क्या है बच्चे की मतलब कि बच्चे को सेफ्टी और सिक्योरिटी तो मिलती है, इससे क्या बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो भी एक्सप्लोर होता है, मतलब इंक्रीज होता है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिकम वन ऑफ टू वे स्ट्रेस, ठीक है। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है वो एक तरह की टू वे स्ट्रेस है, जो चाइल्ड गेट्स ओल्डर जो बच्चा क्या है मतलब कि पेरेंट्स से लेता है। यू कैन नर्चर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन योर रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल बी अवेलेबल एम जी चाइल्ड नीड सपोर्ट, ठीक है। हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, जब बच्चे को आप पेरेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। दिस माइट बी पिकिंग अप योर टोल्डर वैन दे फॉल, ठीक है। अगर बच्चा बाई चांस गिर जाता है खेलते खेलते तो उसको क्या फटाफट अपने पिकअप मतलब उसको उठा लेना चाहिए अपनी गोद में। और पिकिंग अप योर टीनेज चाइल्ड वैन दे कॉल यू आफ्टर अ पार्टी, अगर बच्चा आपको जो टीनेज बच्चे होते हैं अगर वो आवाज़ दे के आपको कॉल कर रहा है मतलब बुला रहा है तो फटाफट क्या है उसको उठा लेना चाहिए। दिस हेल्प योर चाइल्ड लर्न टू ट्रस्ट, जैसे क्या बच्चे को ट्रस्ट होगा कि हाँ मुझे पेरेंट्स मेरे बचाने वाले हैं। यू विल बी थ्री वैन द यू नीड, ठीक है। हमेशा उनके पास आने जब उनको नीड होती है। स्टिक यूर प्रॉमिस, ठीक है। उसके बच्चों के साथ जो मतलब प्रॉमिस किया है जो कुछ भी एवरी थिंग सो यू चाइल्ड लर्न टू ट्रस्ट, ताकि बच्चे को जो वो प्रॉमिस है उसको कंप्लीट करना चाहिए ताकि बच्चे को आप पेरेंट्स पर ट्रस्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू प्रॉमिस दैट यू विल गो टू स्कूल एक्टिविटी डू एवरी थिंग यू कैन टू गेट देयर, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे को अगर आपने प्रॉमिस किया है कि ठीक है अगर वो स्कूल एक्टिविटी में जाएगा तो पेरेंट्स क्या उसके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। गो टू नो योर चाइल्ड एंड वैल्यू देम फॉर वेयर गेट यू नो योर चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट्स को बच्चे की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो क्या है, ठीक है। और जो चाइल्ड है उसको अपने पेरेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए, उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इफ़ योर चाइल्ड लव्स फुटबॉल, अगर बच्चे को फुटबॉल पसंद है चेयर योर चाइल्ड ऑन द आस्क, ठीक है। बच्चे को चेयर अप करना चाहिए और उसको क्या है उसका बेस्ट प्लेयर बन के उसके साथ खेलना चाहिए। शोइंग रिस्पेक्ट, बच्चे को रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, फीलिंग्स और ओपिनियन को उनके उनको उसको चीज़ को बच्चे के इनकर्ज करना चाहिए उसको कि चाइल्ड टू कीप शेयरिंग विद टाइम दैम विद यू, ताकि बच्चा जो है वो अपने हर एक एक्सपीरियंस को फीलिंग को ओपिनियन को बच्चा क्या है पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके, ताकि तभी अगर उसका ट्रस्ट होगा तभी वो शेयर करेगा, ठीक है। When your child expect different opinion from yours, ठीक है। अगर चाइल्ड का जो ओपिनियन है मतलब कोई थॉट है किसी चीज़ को लेकर वो डिफरेंट है पेरेंट्स से, तो बच्चे को क्या है विदाउट जज किए हुए उसको उसके जो थॉट है उसकी जो उसको सुनना चाहिए, ठीक है। बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए ना ही उसको अपसेट करना चाहिए। दिस सेंड द मैसेज दैट वी लिसन एंड हेल्प योर चाइल्ड विद डिफिकल्ट इशू सिचुएशन इन द फ्यूचर, ठीक है। अगर वो कोई भी सिचुएशन पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है तो उसको क्या इनकर्ज करना चाहिए, ताकि उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं, उसको इनकर्ज करना चाहिए उस काम के लिए, ताकि वो फ्यूचर में अपने इश्यूज़ वगैरह को उसको मतलब अच्छे से सॉल्व कर पाए। लास्ट है अलाउ द रिलेशनशिप इन्वॉल्व एज योर चाइल्ड डेवलप, ठीक है। एज योर चाइल्ड नीड्स एंड इंटरेस्ट चेंज, ठीक है। बच्चे का क्या है जैसे कि जैसे मतलब कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है तो उसकी क्या नीड वगैरह होगी इंटरेस्ट क्या है वो भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल योर पेरेंट चाइल्ड माइट नो लॉन्गर वॉच यू अराउंड एट द पार्क विद योर फ्रेंड्स इवन थॉट योर चाइल्ड यूज टू लव प्लेइंग विद यू, ठीक है। अब ऐसे फॉर एग्जांपल है कि अगर बच्चा नहीं चाहता कि वो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम खेले, वो चाहता है कि पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम खेलना, तो वो पेरेंट्स को उसके साथ खेलना चाहिए, उसकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ये टॉपिक आज हमारा खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई हो। एक्चुअली अगर ना भी समझ
आए हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।